सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में होने वाले इस दौरे की तीनों सीरीज यानी कि टेस्ट, ओडीआई व वनडे सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी तो हिस्सा नहीं होंगे और इस बात का पुष्टिकरण उन्होंने पहले भी कर दिया था बीसीसीआई को पत्र में यह लिखकर कि वह 60 दिनों तक अनअवेलेबल है। हालांकि इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई के चयनकर्ताओं द्वारा ही महेंद्र सिंह धोनी को बाहर किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि टीम में दिनेश कार्तिक का नाम भी नहीं है। कि दिनेश कार्तिक ने वर्ल्ड कप में प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं करके दिखाया, लेकिन अगर उन्हें टीम से बाहर निकाला जाएगा तो वह प्रदर्शन ही कैसे करेंगे। और इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी काफी ज्यादा नाराज हैं। आपको बता दें कि सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली से लेकर वीरेंद्र सहवाग ने इस बात पर अपना बड़ा बयान दिया है। इन दोनों खिलाड़ियों के साथ हुई नाइंसाफी पर बातचीत करते हुए इन तीनों खिलाड़ियों ने कहा, तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले सुनील गावस्कर ने इस मुद्दे पर अपना बयान देते हुए बातचीत करते हुए कहा कि बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने जिस तरीके से वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ टीम में बड़े बदलाव किए हैं वह लाजमी भी था। मैं पूरी तरीके से चयनकर्ताओं के फैसले से सहमत हूं, लेकिन अगर टीम में महेंद्र सिंह धोनी व दिनेश कार्तिक जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद नहीं होंगे तो युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा कैसे मिलेगी। और चलिए, अगर महेंद्र सिंह धोनी अगर अनअवेलेबल हैं तो उनकी जगह दिनेश कार्तिक को तो टीम में खिलाना ही चाहिए था। ऋषभ पंत के अलावा इस समय टीम में एक भी अतिरिक्त विकेट कीपर मौजूद नहीं है। ऐसे में जब जरूरत पड़ने पर अगर दिनेश कार्तिक को बुलाया गया तो वह फिर से उतना अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, सौरव गांगुली भी पूरी तरीके से गावस्कर से सहमत है। गांगुली ने भी इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि कुछ दिनों के लिए अनअवेलेबल हो जाना तो महेंद्र सिंह धोनी का फैसला माना जा सकता है, लेकिन यह बात तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि भारतीय टीम दो विकेट कीपर के साथ भी नहीं जा रही। मुश्किल वक्त में अगर ऋषभ पंत के अलावा दिनेश कार्तिक की जरूरत पड़ भी गई तो एक अनुभवी विकेट कीपर तो भारतीय टीम के पास होगा ही नहीं। ऐसे में भारतीय टीम उस समय तो धर्म संकट में आ सकती है। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने भी मुद्दे पर बातचीत करते हुए अपना बयान दिया। उन्होंने भी इन दोनों खिलाड़ियों का साथ देते हुए कहा कि महेंद्र सिंह धोनी तो काफी लंबे अरसे से भारतीय टीम का हिस्सा बने हुए थे और क्रिकेट भी काफी ज्यादा लगातार खेल रहे थे। ऐसे में उनको तो आराम लेना बनता ही था और जिस तरीके का नेक काम वह करने जा रहे हैं मैं उनको सलाम भी करता हूं। लेकिन दिनेश कार्तिक को तो इस दौरान ज्यादा मौके नहीं दिए गए और जब मौका देने की बारी आई तो बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने दिनेश कार्तिक से यह मौका भी छीन लिया। अब अगर आप कार्तिक जैसे खिलाड़ी को लगातार टीम में खेलने नहीं देंगे तो उनके अनुभव का एहसास आप सभी को कैसे होगा। मैं मानता हूं कि पंत एक उभरते सितारे हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक की जरूरत भारतीय टीम को आज भी है। भारतीय टीम की सभी दिग्गज के खिलाड़ी कहीं ना कहीं दोनों खिलाड़ियों के साथ और बीसीसीआई के चयनकर्ताओं पर भड़क चुके हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या टीम में दिनेश कार्तिक और महेंद्र सिंह धोनी को चुना जाना चाहिए था या नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, टीम के मिडिल ऑर्डर को लेकर काफी ज्यादा बड़े बदलाव किए गए हैं। टीम में मनीष पांडे पर काफी ज्यादा भरोसा जताया गया, तो वहीं कृणाल पांड्या की भी टीम में एंट्री हो चुकी है क्योंकि हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया गया है। इसी के साथ साथ धोनी भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि वह तो अगले 60 दिनों तक अवेलेबल ही नहीं है। उनकी भूमिका निभाते हुए दिखेंगे ऋषभ पंत और ऋषभ पंत के लिए यह सीरीज एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। अगर वह यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं तीनों ही फॉर्मेट्स में तो कहीं ना कहीं चयनकर्ता महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा ऋषभ पंत को ज्यादा कंसीडर करना जरूरी समझेंगे। लेकिन दोस्तों, खास बात तो यह है कि भारतीय टीम ने पूरे 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद एक ऐसा खिलाड़ी वापस लौट रहा है जिसने अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर सबका मुंह बंद करके रख दिया है। इस खिलाड़ी ने पिछले 8 महीनों में इतना ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया कि बीसीसीआई के चयनकर्ता चाहकर भी इस खिलाड़ी को बाहर नहीं रख सकते। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको बता दें, इस खिलाड़ी का नाम है मनीष पांडे। आईपीएल 2019 में हैदराबाद की टीम की तरफ से खेल रहे मनीष पांडे का प्रदर्शन वाकई में काफी ज्यादा लाजवाब था। शुरुआती मुकाबलों में भले ही मनीष पांडे फ्लॉप रहे, लेकिन उसके बाद उनकी बल्लेबाजी देखने वाली थी। इस बार T20 फॉर्मेट में न सिर्फ उन्होंने शतक लगाया बल्कि अपनी बल्लेबाजी का लोहा भी सारे चयनकर्ताओं को मनवा दिया। लेकिन दोस्तों, मनीष पांडे का तूफान केवल वही नहीं रुका। इसके बाद जब इंडिया ए की टीम की तरफ से भी जब मनीष पांडे को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसके बाद वहां भी मनीष पांडे का बल्ला खूब चला। आपको बता दें कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद मनीष पांडे ने वेस्टइंडीज ए की टीम के खिलाफ धाकड़ बल्लेबाजी करके दिखाई। उन्होंने कई शतक लगाए और कुछ ऐसे नायाब रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए जिसके बाद चयनकर्ता चाहकर भी उन्हें टीम से बाहर नहीं रख सकते। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआती दौर में मनीष पांडे धोनी के साथ खेला करते थे। यकीनन सी बात है कि धोनी के साथ खेलने वाला खिलाड़ी कितना कुछ जानता होगा मैच फिनिश करने के बारे में, एक अच्छी पारी खेलने के बारे में। शायद मनीष पांडे का वही अच्छा वक्त वापस आ चुका है और अब उनको एक और मौका मिला है खुद का हुनर साबित करने के लिए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या मनीष पांडे को टीम में शामिल करना एक सही फैसला है या फिर गलत, इस बात का जवाब
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अचानक ही टीम से बाहर हो गए। हालांकि यह बात भी सच है कि यह उनका खुद का फैसला है कि वह पैरा मिलिट्री फोर्सेज की रेजिमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगले 60 दिन उन्हीं के साथ बिताएंगे। लेकिन फिर भी इस बात का कारण जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिरकार धोनी ने ऐसा क्यों किया। क्या वह खुद से ऋषभ पंत को मौका देना चाहते हैं या फिर चयनकर्ता चाहते हैं कि ऋषभ पंत उनकी जगह लें। ऐसे ही कई बड़े सवाल इस समय महेंद्र सिंह धोनी के सभी फैंस के मन में चल रहे होंगे और इन सभी सवालों का जवाब अब आखिरकार बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने सबको दे दिया है। आपको बता दें कि जब बीसीसीआई के चयनकर्ता मिलकर टीम की अनाउंसमेंट कर रहे थे तब उन्होंने इस मुद्दे पर भी बात करी कि आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋषभ पंत को क्यों दी गई है और दोस्तों उनका जवाब काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए एमएसके प्रसाद ने कहा, हम सभी जानते हैं कि इस समय सारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋषभ पंत को क्यों चुना गया। इसका सीधा सा जवाब है, महेंद्र सिंह धोनी खुद ही 60 दिनों के लिए पहले तो अनअवेलेबल है, साथ ही हम सभी भी अब यही चाहते हैं कि ऋषभ पंत की ग्रूमिंग काफी ज्यादा अच्छे से हो जाए, जिसके लिए उन्हें अब तीनों फॉर्मेट्स में मौके देने होंगे। महेंद्र सिंह धोनी के करियर की शुरुआत में भी उन्हें तीनों फॉर्मेट्स में मौके दिए गए, शायद तभी वह आज इस लेवल पर पहुंच पाए हैं। हमें पूरा यकीन है कि अब ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी की जगह लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही हम आप सभी को यह भी बता देना चाहते हैं कि ऋषभ पंत को महेंद्र सिंह धोनी की जगह उन्हीं की सलामंदी के बाद दी गई है, क्योंकि अब धोनी भी चाहते हैं कि ऋषभ पंत भारतीय टीम के आने वाले विकेटकीपर व बल्लेबाज के रूप में उभरे। दोस्तों एमएसके प्रसाद के इस जवाब ने सबके मुंह पर ताले लगा दिए हैं। अब जब महेंद्र सिंह धोनी खुद ही चाहते हैं कि उनकी जगह ऋषभ पंत को ज्यादा मौके दिए जाएं तो इसमें हर्ज ही क्या है। ऋषभ पंत भारतीय टीम के वह उभरते सितारे हैं जो कि भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कई सालों से महेंद्र सिंह धोनी के साथ आईपीएल व भारतीय क्रिकेट टीम में रहकर क्रिकेट खेला है। यकीनन सी बात है कि उन्होंने काफी कुछ सीखा होगा और अब वक्त आ गया कि वह अकेले रहकर टीम में उन सभी सीखी हुई चीजों को अप्लाई करें। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी की जगह कभी ले पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो आइए फटाफट से आप सभी को बता देते हैं कि अब वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ T20 सीरीज के लिए क्या होगी भारतीय टीम की 15 सदस्यीय टीम। टीम की तरफ से हमेशा की तरह ओपनिंग करते हुए दिखेंगे वाइस कैप्टन रोहित शर्मा, उनका साथ देंगे शिखर धवन जी के साथ साथ टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे कप्तान विराट कोहली, राहुल, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर व ऋषभ पंत। साथ ही टीम में दो ऑलराउंडर्स खिलाड़ियों की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे रविंद्र जडेजा व कृणाल पांड्या। आपको यह भी बता दें कि टीम में युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर को भी जगह दी गई है। इसी के साथ साथ इस बार भारतीय टीम में T20 सीरीज के लिए तेज गेंदबाजों की भरमार रहेगी। आपको बता दें कि भारतीय टीम में तेज गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए दिखेंगे भुवनेश्वर कुमार, नवदीप सैनी, दीपक चहर, खलील अहमद जो कि पहले भी भारतीय टीम का हिस्सा बन चुके हैं और वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम में उम्मीद से ज्यादा बड़े बदलाव किए गए हैं। मुख्य खिलाड़ियों को आराम दिया गया, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम T20 सीरीज में पलटवार करके जीतती है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, इस T20 सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किस खिलाड़ी को कप्तान बनाना सही था, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीसीसीआई के चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने इस बात का भी खुलासा कर दिया है कि आखिरकार अब महेंद्र सिंह धोनी की जगह भारतीय टीम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस दौरे पर कौन खिलाड़ी लेने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि धोनी के इस बयान के बाद बीसीसीआई के चयनकर्ताओं में खलबली मच गई, क्योंकि एकदम से महेंद्र सिंह धोनी की रिप्लेसमेंट ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब डरने की बात नहीं, क्योंकि भारतीय टीम के पास काफी ज्यादा बेहतर अन्य विकल्प भी अब ज्यादा मौजूद है और धोनी की जगह किस खिलाड़ी को खिलाना है इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए हाल ही में एमएसके प्रसाद ने कहा, बीसीसीआई के चयनकर्ता किसी भी खिलाड़ी को टीम में जबरदस्ती तो नहीं खिला सकते। अब अगर महेंद्र सिंह धोनी भारतीय आर्मी का हिस्सा कुछ दिनों के लिए बनना चाहते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है, वह एक महान खिलाड़ी और ऐसा करके उन्होंने महानता का एक और प्रतीक कायम कर लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि अब महेंद्र सिंह धोनी की जगह टीम में युवा खिलाड़ी लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। साथ ही उनके पास एक बेहतरीन मौका रहेगा कि वह अब भारतीय टीम के लिए और भी अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि आगे चलकर भविष्य में भारतीय टीम के पास और भी ज्यादा विकल्प मौजूद रहे। मुझे पूरा यकीन है कि ऋषभ पंत इस भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरीके से उत्सुक होंगे। दोस्तों एमएसके प्रसाद ने अपने बयान में अंतिम पलों में बता ही दिया कि ऋषभ पंत ही महेंद्र सिंह धोनी की जगह लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी व ऋषभ पंत में से कौन भारतीय टीम का एक बेहतरीन विकेटकीपर व बल्लेबाज है, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने अब एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसे सुनकर शायद आप भावुक हो जाएंगे और महेंद्र सिंह धोनी को तहे दिल से सलाम करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी अब लंदन से वापस आ चुके हैं। रांची पहुंचते ही महेंद्र सिंह धोनी के मैनेजर अरुण पांडे ने इस बात की पुष्टि करी थी कि धोनी संन्यास लेने का तो मन नहीं बना रहे, परंतु अब खुद महेंद्र सिंह धोनी ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर
इस बात से पर्दा उठा दिया कि वह अगले 2 महीनों तक तो भारतीय टीम की तरफ से नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वह अपनी जिंदगी के यह 60 दिन वह भारतीय सेना की स्पेशल टास्क फोर्स पैरामिलिट्री रेजिमेंट के साथ बिताना चाहते हैं। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी भारतीय सेना के पैरामिलिट्री के फोर्सेज के जवानों के साथ रहेंगे, उनके लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व रहेंगे, साथ ही वैसे ही खाएंगे और उठेंगे जैसे कि भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स का कोई आम जवान खाता और उठता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि महेंद्र सिंह धोनी आर्मी में रहकर अब अपने देश की सेवा करेंगे। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के इस तरीके से क्रिकेट को छोड़कर अगले 2 महीनों के लिए आर्मी ज्वाइन करने के फैसले के बाद तो जैसे मानो सारे देश में एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी का ही नाम गूंज उठा है। साथ ही धोनी के इतने महान फैसले के बाद भारत का प्रत्येक नागरिक उनको